नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ जानवी यादव। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार का पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को बैन करने का कोई इरादा नहीं है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन 2019 में नितिन गडकरी ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मीटिंग हुई और मिनिस्ट्री को सुझाव मिला कि पेट्रोल डीजल व्हीकल्स पर वैन लगाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अधिक निर्यात किया है और इंडस्ट्री जबरदस्त रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वाहन कुछ हद तक प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या के लिए सिर्फ वाहनों को ही दोष नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण ने सभी के व्यवसाय को प्रभावित किया और दुनिया भी इसके लिए गंभीर है। दिल्ली में प्रदूषण के कारणों की पहचान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इसकी वजह से दिल्ली में लगभग 29% प्रदूषण नियंत्रित हुआ है। बीजेपी लीडर ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी को कम किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को हाइब्रिड कारों पर जीएसटी घटाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहते हुए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत नंबर एक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लागत पर। वहीं राज्य परिवहन निगम की हालत ठीक नहीं है। सरकार लंदन परिवहन मॉडल लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता है। अगर हम लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल को लागू करते हैं तो 12 से 15 लाख नई बसें चालू होंगी। बस व्यवसाय के विस्तार के लिए नई टेक्निकों का होना आवश्यक है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।